हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी के म्यूजिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल एमडी के म्यूजिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इसी तरह हमारी वीडियो को देखकर म्यूजिक के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो गाइज, आज हम एक रिक्वेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसकी फरमाइश हमारे एक सब्सक्राइबर है मोहतरम दिलशाद अब्बास साहब फ्रॉम यूके। तो उनकी तरफ से हमें एक फरमाइश की गई है पंजाबी गज़ल की, जिसको गाया है उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने और साथ तरन्नुम नाज जी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गैस हो गया होगा कि आज हम अपने हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर या फिर अपने मोबाइल पियानो पर क्या सीखने जा रहे हैं। तो गज़ल के बोल हैं, रू लै गया दिल दा जानी ते बुत सानू चुकना पिया। आज इस खूबसूरत पंजाबी गज़ल को अपने हारमोनियम पर सीखेंगे मोहतरम दिलशाद अब्बास साहब की फरमाइश पर, और आज का ये वीडियो चूँकि उनकी फरमाइश पर बनाया जा रहा है, लिहाजा उन्हीं को डेडिकेट किया जाता है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हारमोनियम की तरफ। मैं आपको सिखाऊंगा तीसरे सुफेद को सा मानकर, ठीक है? ए मेजर हमारा कोड रहेगा और ये हमारा सा होगा, इसको सा मानकर चलेंगे। और अगर राग की बात करूं तो थाट खमाज और राग कलावती में हम इसको देखेंगे। राग कलावती है, गाइज ये हमारा सा है, इसको हम सा मान कर चलेंगे। लिहाजा देखते हैं कैसे इसको अपने हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर या फिर अपने मोबाइल पियानो पर प्ले किया जा सकता है। मैं आपको सबसे पहले प्ले करके बताता हूँ और फिर स्लोली सिखाऊंगा कैसे आप इसको अपने हारमोनियम पर प्ले कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं इसको सीखने की तरफ। मैं आपको पहले गा के बताता हूँ और फिर स्लोली सिखाऊंगा कैसे आप इसको अपने हारमोनियम पर प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा सा है, ये इसको सा मानकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको अपने हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर या फिर मोबाइल पियानो पर प्ले किया जा सकता है। मैं आपको गा के बताता हूँ, चलिए देखते हैं। ये म्यूजिक है और उसके बाद फिर भूल गया दिल दा जानी, रूल गया दिल दा जानी, रूल गया रूल गया दिल दा गाइस, सीखते हैं स्लोली इसको कैसे प्ले किया जा सकता है। पहले म्यूजिक देखें। नी नी सा, देखें नी नी सा मा मा गा, नी नी सा रे रे सा, यही पैटर्न है, इतना ही है, दो बार रिपीट होता है। देखें नी नी सा मा मा गा, नी नी सा रे रे सा, नी नी सा मा मा गा, नी नी सा रे रे सा, ठीक हो गया। देखें दोबारा, देखें नी नी सा मा मा गा, नी नी सा रे रे सा,
इसके बाद फिर स्टाइल स्टार्ट होती है। देखिए कैसे जगह भी है ले गया कैसे ये जगह भी है इसको देखें रू ले गया जगह मैंने आपको बता दी। दोबारा देखते हैं एक दफा, जो आपको अच्छी लगे जो आपके मन को भाए वो आप कह सकते हैं। दोबारा देखें रूले गया दिल दा, बिल्कुल सिंपल है ये। दोबारा रूले गया दिल दा, दूसरी जगह रूले गया दिल दा दिल दा, जल्दी से आएगा दिल दा, फिर रू रू ले गया, तीसरी रू ले गया रू ले गया दिल दा दिल दा। ठीक हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। जानी 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 देखे जा सॉरी जानी, इसमें भी जगह है जा जा, ये कह सकते हैं हल्का सा झुलाव है। देखे जा जानी, सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल कैसे जानी जानी और जगह जानी जानी कैसे जानी जानी। ठीक हो गया, फिर ते बुत सनु चुप ना पया ले गया, इसको देखें ते बुत सनु ते बुत सनु ते बुत सनु चुक 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 ना प्यार ले गया। दोबारा देखें ते बुत सानु सानु ते बुत सानु फिर चुक ना प्यार ले गया चुक ना पया गया। दोबारा देखें इसको ते बुत सन
चुकना पे यारू ले गया फिर दिलदा जाने। इसको देखें, दिल दिल देखें दोबारा, दिल दिल दा जाने, दिल दा जाने, ते बुत सानू चुकना पया हो गया। फिर उसके बाद तरन्नुम नाज़ी का जो है वो बोल आता है, वो भी सेम इसी पैटर्न पर है, उसको भी एक दफ़ा देखते हैं। चूंकि सेम है वो तो मैं जल्दी से उसको बताता हूँ ताकि आप लफ्ज़ों की जो है तकसीम उसको देख लें कि कौन से लफ्ज़ पे कौन सा सुर आता है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से उसको, वो भी सेम इसी पैटर्न पर है, देखें। बढ़ते हैं अंतरे की तरफ। अंतरा इसका भी नहायत ही आसान और शानदार है। अंतरा भी हम सा से ही उठाएंगे, देखें कैसे। गा के बजाता हूं पहले। गा से अखियां दे पर डोला हो, गा से अखियां दे पर डोला, गा से अखियां दे पर डोला, था खूबसूरत हमारा अंतरा। चलिए सीखते हैं इसको भी, बहुत ही आसान है, तीन पैटर्न है, बहुत ही आसान है, हल्के हल्के चेंजेस के साथ। चलिए देखते हैं कैसे इसको अपने हारमोनियम पर प्ले किया जा सकता है। ये सा है तो चलिए यहां से देखते हैं। गा से अखियां दे, गा से अखियां दे, गा से अखियां दे, गा से अखियां दे पर डोला हो। बिल्कुल आसान सा करके मैं आपको समझा रहा हूं, देखें। का से अखियां दे सागा पा 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 पा, का से अखियां दे
फिर डोला 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 कासे अखियां दे पर डोला पहली बार यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखें एक दफा फिर, कासे अखियां दे पर डोला फिर दूसरी बार भी सेम इसी तरह है, लेकिन हम स्टे जो है इसकी बजाय यहाँ पे करेंगे रे पे, सा की बजाय रे पे। देखिए कैसे, कासे अखियां दे पर डोला डोला डोला। तो यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे हमारा स्टे होगा। पहले हमने यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे दूसरी दफा डोला डोला, फिर तीसरी बार कासे अखियां दे कासे अखियां दे कासे अखियां दे पर डोला कासे अखियां दे। देखें लास्ट तीसरा जो है वो कैसे, कासे अखियां दे पर पर डोला कासे अखियां दे। फिर आगे स्थाई पैटर्न शुरू हो जाता है। देखिए तीसरी बार कैसे है, कासे अखियां दे पर डोला कासे अखियां दे। फिर स्थाई पैटर्न उसको देख ले एक दफा, पर डोला कासे अखियां दे पर डोला विछोड़े दिने अग बुझ दी ले गया दिल दा जाने। ये था हमारा खूबसूरत आज का पंजाबी गजल ट्यूटोरियल, जो कि आप लोग के साथ हमने मोहतरम दिलशाद अब्बास साहब की फरमाइश पर शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।